फ्रेंड्स, आज का वीडियो का टॉपिक है मनी एंड मनी के फंक्शंस। व्हाट हमने लास्ट वीडियो में देखा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज से करते थे, क्योंकि मनी उस टाइम पे थी नहीं। फिर हमने उसकी प्रॉब्लम्स को देखा, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी बार्टर सिस्टम में, तो उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो मनी क्या है? मनी एक सिंपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। क्या है मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि एक्सचेंज करने का एक साधन, कि मुझे अगर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, मैं बाजार में जाता हूँ मनी लेकर, तो मैं मनी दूंगा और गुड्स एंड सर्विसेज ले आऊंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी के केस में जब आपके पास मनी है तो सेल एंड परचेज आपको वन टाइम पे नहीं करना पड़ता। बार्टर सिस्टम में क्या था कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज एक ही टाइम पे करना पड़ता था, उसी टाइम पे आपको सेल करना पड़ता था, उसी टाइम पे आपको परचेज करना पड़ता था। बट इस केस में आपकी मर्जी, आप सेल करो और चाहे परचेज करो। इसलिए मनी क्या है, एक बेटर वे है बार्टर सिस्टम से। तो देखो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ और क्या फंक्शंस है, एट एंड एट द सेम टाइम इट मस्ट एक्ट एज अ मेयर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। बाकी इसके फंक्शंस में ये अगेन रिपीट होंगे। तो और देखिए, मनी इंक्लूड ऑल मीडियम्स ऑफ एक्सचेंज लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेपर मतलब पेपर करेंसी जो चलती है, ये कॉइन्स हैं सारे, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इन सभी को हम मनी की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आगे इसके फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस को हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसके कारण मनी का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, मनी इंट्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, वो होंगे हमारे प्राइमरी फंक्शंस। जो प्राइमरी फंक्शन से डिराइव होंगे वो होंगे आपके सेकेंडरी फंक्शन, इसलिए इनको सेकेंडरी या प्राइम डेरिवेटिव फंक्शंस बोला जाता है। देन जो आपके बाकी के फंक्शंस हैं उनको हम अदर फंक्शंस में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस में कौन से आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया आपका, वही हो गया कि आपको अगर सामान चाहिए तो आप इजीली एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मनी है आपको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, आप बाजार में जाओ और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लो, ठीक है। इसलिए एक मीडियम है, किसका, एक्सचेंज का मीडियम है आपका मनी। सेकेंड है आपका मेयर ऑफ वैल्यू। अब देखो, मेयर ऑफ वैल्यू में क्या है कि अगर आपके पास कोई सामान है, ठीक है, तो अगर आप उसको इजीली मेयर कर सकते हो, ठीक है, इन द टर्म ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में मेयर करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, पर इस यहां पे अगर आपके पास, लेट सपोज आपके पास पेन है, ठीक है, वन पेन है आपका 10 रुपीज का, ठीक है, और पेंसिल है आपकी 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपीज की। अगर लेट सपोज अगर आपके पास 10 रुपए हैं, या तो आप एक पेन खरीद सकते हो या तो आप 5 पेंसिल खरीद सकते हो, ठीक है। अगर हमारे पास मनी है तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जितने पैसे हैं हम इतने पैसे में क्या क्या खरीद सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 10 रुपए में अगर मुझे पेन लेना है तो 1 पेन आएगा, अगर पेंसिल लेनी है तो 5 पेन आएगा, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इसको मेजर कर सकता हूँ। इसलिए ये दोनों क्या है, इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं। अगर हम डेरिवेटिव या सेकेंडरी फंक्शंस की बात करें तो सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, 1 साल बाद या 2 साल बाद हम इसको खर्च कर सकते हैं अगर हम आज स्टोर करें। बट बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी। बार्टर सिस्टम में अगर हमारे पास पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं या मिल्क है, हम इनको स्टोर नहीं कर सकते थे, हमें इनको क्या करना पड़ता था, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ता था ताकि खराब ना हो जाए। बट मनी का खराब होने का कोई सीन नहीं है, आप इसको जब चाहे स्टोर करके बाद में खर्च कर सकते हो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी को ट्रांसफर करना बहुत इजी है, जबकि बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल आती थी, बट मनी इजीली ट्रांसफर हो जाती है। और आजकल बैंकिंग सिस्टम ने और बहुत ज़्यादा इसमें इजी कर दिया प्रोसेस ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर आपके पास मनी है, डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं आपकी फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट्स को बोलते हैं फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है। अगर देखो मनी आपके पास, आपने लोन लिया और उसकी फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो मनी की फॉर्म में। बट बार्टर सिस्टम में गुड्स एंड सर्विसेज थी, गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में अगर आपको फ्यूचर पेमेंट करनी थी तो वहां आपको बहुत दिक्कत आती थी गुड्स एंड सर्विसेज में, क्योंकि उस टाइम पे मनी नहीं थी। इसलिए मनी का आने से यहां भी फायदा हुआ कि आप फ्यूचर पेमेंट जो है ना,
विद इंटरेस्ट आप इजीली पे कर सकते हो अगर आपके पास मनी है तो। अब बाकी के फंक्शंस देखो क्या बच के, बाकी के फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैसे मनी में अपना फंक्शन रोल प्ले करती है। देखो अगर मनी है तो गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स लेगी किस फॉर्म में लेगी, मनी की फॉर्म में लेगी, और बदले में जो आपको उसने वेलफेयर प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, वो इजीली करवा देगी फिर। बट अगर बार्टर सिस्टम की बात करें तो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी तो क्या करती थी, गुड्स एंड सर्विसेज लेती थी। लेट सपोज कि जो भी आपने उनको टैक्स देना है वो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में देना है, और गुड्स एंड सर्विसेज में जब आगे वेलफेयर करना होता था तो प्रॉब्लम आती थी। लोगों को अगर लोगों से आलू प्याज लिए हैं तो लोगों को आलू प्याज थोड़ी ना देने हैं उन्होंने। तो जब इस केस में जब मनी आई तो मनी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास पहुंची, तो गवर्नमेंट ने डायरेक्टली वेलफेयर स्टार्ट करना, वेलफेयर जो पुअर पीपल है या जो जिसपे भी गवर्नमेंट ने कोई अगर सुकन्या समृद्धि योजना या बुढ़ापा पेंशन या जिसे वेलफेयर एक्टिविटीज हो तो यहाँ पे इजीली हो जाएंगी। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में क्या है, मनी का रोल है। अच्छा, सोशल एम्पावरमेंट। अब सोशल एम्पावरमेंट कैसे होगी, जो लोग भी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको क्या होगा, इनको रिवॉर्ड उसी टाइम पे इनकम की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में मिल जाएंगे। बट बार्टर सिस्टम में क्या था कि उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिलती थी, तो गुड्स एंड सर्विसेज में क्या होता था कि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लोगों का एम्पावरमेंट नहीं हो पाता था। तो यहां अगर कोई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसी टाइम मिलेंगे, लोगों का जो वेल बीइंग स्टेटस ऑफ लिविंग ऊंचा होगा जब उनको उनके पास मनी आएगी, तो इसलिए मनी के आने से सोशल एम्पावरमेंट भी होता है। ठीक है, ये इसका अदर फंक्शन था। नेक्स्ट है कि स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी की कैसे एवोल्यूशन में आई। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमी में सबसे पहले की बात करें, बहुत टाइम पहले की बात करें तो पहले एनिमल मनी होती थी। एनिमल मनी कंसिडर किया जाता था कि जानवरों को, लाइक हॉर्सेस हो गए, शिप, गोट, काउ, कि जिसके पास बहुत ज्यादा एनिमल्स है ना उनको रिच समझा जाता था और एक्सचेंज के लिए एनिमल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, फिर आई कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी क्या है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को किसमें, आप जो चेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है वो किससे करते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज से, मतलब कमोडिटी का, कमोडिटी से एक्सचेंज आप करते हो उसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। देन इसके बाद आपका मेटेलिक मनी आई। मेटेलिक मनी मतलब कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज वगैरह के ये आपके कॉइन्स आए। तो ये किस पर्पज के लिए यूज होते थे, जो गोल्ड कॉइन है वो हायर अच्छी चीजों के लिए, देन जो मॉडरेट चीजों के लिए कॉपर, ये सिल्वर का कॉइन यूज होता था, देन जो लो लेवल के हैं, ठीक है, कॉपर वगैरह के, वो उस पर्पज के लिए यूज होते थे ये आपके। पर इन केस में प्रॉब्लम आ रही थी कि जो इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू थी ना जो इनकी, वो ज्यादा थी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब गोल्ड की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है, बट इनसे जो सामान मिल रहा है वो कम है। तो लोग क्या कर रहे थे, लोगों ने इसका गलत यूज करना शुरू कर दिया, लोगों ने इसको लेके पिघलाना शुरू कर दिया और इसको बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि पिघलाने से उनको ज्यादा फायदा मिल रहा था, पिघलाने बेचने से उनको ज्यादा पैसे मिल रहे थे। और जब ये इन वैल्यू से कॉमोडिटी खरीदनी थी तो वो उनको क्या करना पड़ रहा था, वो इजिली मिल रही थी, मतलब थोड़ी मिल रही थी वो चीज, और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा थी, वो बेच के ज्यादा पैसे मिल रहे थे, और लोगों ने क्या किया, इसको बेचना शुरू कर दिया, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। फिर आप आज के टाइम पे देख लो, जो अब 1-2 रुपए या 5 रुपए 10 रुपए का कॉइन है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू कम है। ठीक है, अगर 10 रुपए का कॉइन है तो उसकी जो कॉस्ट है ज्यादा से ज्यादा 3-4 या 5 रुपए होगी, इसीलिए इसको दूर करने के लिए ही जो कॉइन्स की इंट्रेंसिक वैल्यू है वो कम कर दी गई। ठीक है, इसलिए जो आजकल है उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू कम है और जो फेस वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो कॉइन है जितने का है वो फेस वैल्यू, और इंट्रेंसिक मतलब उसको बनने में कितनी कॉस्ट लगी है उसको हम बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, फिर ये कॉइनेज या मेटेलिक कॉइन्स आए। मेटेलिक कॉइन्स के बाद पेपर मनी आई। पेपर मनी किसको बोलते हैं, पेपर मनी यही हमारी करेंसी है जो पेपर नोट्स वगैरह। देन इसके बाद अब बैंक मनी है, बैंक मनी ज्यादा चल रही है, लाइक चेक, डिमांड डिपॉजिट, आपके डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गए, तो अभी
ये पॉपुलर है, ठीक है। ये स्टेजेस हैं कि कैसे एनिमल मनी से जो है ये चेंज होते होते अब कौन सी मनी ज्यादा पॉपुलर है, अब ये ज्यादा एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।